हेलो दोस्तों, आज मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को एमएस एक्सेल के डेटेड इफ़ फार्मूला के बारे में। दोस्तों, डेटेड इफ़ फार्मूला का यूज़ दोस्तों बेसिकली डेट ऑफ बर्थ को कैलकुलेट करने के लिए कि कितने साल कितने महीना और कितने दिन का हुआ है किसी का डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आप पता कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करते हैं कैलकुलेशंस। ये मैंने एमएस एक्सेल फाइल बनाई हुई है, इसको ओपन किया और ये फाइल ओपन हो रही है। ये फाइल ओपन होगी दोस्तों, इसमें आप देखेंगे पहले से मैंने लिखा हुआ है, नेम लिखा हुआ है, डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है। मैंने डेट ऑफ बर्थ और नेम इसलिए लिखा हुआ है दोस्तों कि अगर मैं पूरा टाइप करता तो ये काफ़ी टाइम लग जाता और वीडियोस काफ़ी लेंदी हो जाती, काफ़ी बड़ी हो जाती, इस वजह से मैंने पहले से लिख लिया है। ठीक है दोस्तों, तो ये नेम का कॉलन है और ये डेट ऑफ बर्थ का है। ठीक है दोस्तों, मैं इस थोड़ा सा हाईलाइट कर लेता हूँ ताकि ये विजिबल हो। और मैंने बगल में देखेंगे दोस्तों तो मैंने एक छोटा सा एक कुछ लिखा हुआ है। एक्चुअली ये क्या है, फॉर्मूला होता है दोस्तों, इसको जो मैंने, एक मिनट मैं आपको थोड़ा सा और विजिबल कर देता हूँ, जूम कर देता हूँ, थोड़ा विजिबल हो जाएगा। ठीक है, ये जो मैंने लिखा हुआ दोस्तों आप देखेंगे ब्रैकेट में है YYMMMD, यही इसी फार्मूला के बेस पे काम करता है आपका डेटेड इफ। जैसे कि वाई से ईयर निकलता है, वाई एम से आपका मंथ निकलता है, एम डी से आपका डे निकलता है। ठीक है दोस्तों, वाई मीन्स ईयर और वाई एम मीन्स ईयर मंथ एंड एम डी मीन्स मंथ एंड डेट। ठीक है दोस्तों, देखते हैं कैसे ये काम करता है। जैसे कि आप मैं पहले मनीष का निकालूंगा, ठीक है, बाकी सारे हम ड्रैग एंड ड्रॉ करेंगे तो ऑटोमेटिक ही नीचे आ जाएगा। तो एक का करके दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे मैंने यहाँ पे मनीष के सामने यहाँ पे कोई भी फार्मूला यूज़ करने से पहले दोस्तों इक्वल का प्रयोग किया जाता है एक्सेल का, कोई भी फार्मूला अगर प्रयोग करते हैं आप तो। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम इक्वल लिखेंगे, इक्वल और फार्मूला का नेम लिखेंगे, डेटेड, DATED, डेटेड इफ। ओके दोस्तों, फिर आगे ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर आगे ये कॉलम पूछता है कि कौन से कॉलम में डेट ऑफ बर्थ आपने लिखा हुआ है, तो अब उस कॉलम को सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आपको कॉमा देना है दोस्तों, ठीक है, और कैलकुलेशन कब तक करनी है, आज तक, तो हम यहाँ पर लिखेंगे टुडे। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ पे ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज करेंगे दोस्तों, उसके बाद अगेन कॉमा। ठीक है दोस्तों, हम निकाल रहे हैं पहले ईयर निकालते हैं, एक साथ में नहीं आता है, कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं कि एक साथ में डेट ऑफ बर्थ आ जाए दोस्तों। तो पहले हम ईयर निकालेंगे, फिर मंथ निकालेंगे, फिर डे निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप देखेंगे यहाँ पे डेटेड इफ लिख दिया है, ब्रैकेट ओपन, फिर मैंने सेल का एरिया दे दिया, ये जो B2 है आप देखेंगे यहाँ B और 2 वाले सेल में है, फिर कॉमा कर दिया, फिर टुडे आज तक निकालना है, ब्रैकेट क्लोज करके कॉमा कर दिया। फिर आगे दोस्तों हमें ईयर निकालना है तो हमें ईयर करना पड़ेगा, तो वाई देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, देखेंगे जैसे यहाँ पे पहला हमें ईयर निकालना तो हमें वाई का, यही यहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये वाई है, हम फिर इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करते हैं, एंटर करेंगे तो देखेंगे ये ईयर निकल गया मनीष की, जो टोटल इस डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग मनीष का जो साल है वो 31 ईयर का है। ठीक है दोस्तों, फिर अब हम निकालते हैं कि वो कितने मंथ का है, तो हम इक्वल फिर सेम फार्मूला में यूज़ करेंगे, इक्वल फिर डेटेड इफ लिखना पड़ेगा, फार्मूला नेम, ब्रैकेट ओपन, फिर अगेन फिर इसको सेलेक्ट करना है उसी सेल को जहाँ पे आपने डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है, उसके बाद कॉमा लिखना है, फिर आपको लिखना है टुडे, फिर अगेन ब्रैकेट ओपन क्लोज, फिर कॉमा, फिर इन्वर्टेड कामा में आपको फिर लिखना पड़ेगा दोस्तों YM लिखेंगे हम यहाँ पे, YM इन्वर्टेड कामा क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद क्लिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आ गया 31 ईयर 5 मंथ। अगेन हम निकालते हैं कि ये कितने दिन का है। ठीक है दोस्तों, तो फिर यहाँ पे हम फिर दोबारा फॉर्मूला अगला यूज़ करेंगे, डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन, फिर सेलेक्ट करेंगे वो सेल जहाँ पे आपने डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है, फिर अगेन टुडे ब्रैकेट ओपन क्लोज अगेन कॉमा, फिर उसके बाद आगे नोटेड कामा में दोस्तों लिखना पड़ेगा MD, मैंने इसलिए यहाँ पे बना दिया आप लोगों को समझने के लिए, MD MD इन्वर्टेड कामा क्लोज एंड अगेन ब्रैकेट क्लोज एंटर। आप देखेंगे दोस्तों ये निकल गया इनका ईयर, ये निकल गया मंथ और ये निकल गया डे। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि ये और विजिबल हो जाए दोस्तों। ठीक है दोस्तों,
अब इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉ करेंगे तो सबके सामने वैसे ही आ जाएगा। जैसे हम यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तभी भी खुल जाएगा। जैसे मैंने डबल क्लिक किया, सबका ईयर निकल गया ऑटोमेटिक, कुछ करने की नहीं जरूरत है दोस्तों। यहाँ पे देखेंगे जो जितने ईयर का होगा इस डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आगे लिख दिया। अगेन सेम हम इस पर वही सेम प्रोसेस करेंगे। यहाँ पे कोने पे ले जाएंगे, जब ये प्लस बनेगा तो हम यहाँ पे डबल क्लिक कर देंगे, ये ऑटोमेटिक ये ड्रैग हो जाएगा नीचे तक। फिर उसके बाद हम क्लिक करेंगे यहाँ प्लस पे, फिर अगेन आप देखेंगे सबके सामने उनका साल ईयर मंथ डे आ गया है। ठीक है दोस्तों, आप ऐसे भी देख सकते हैं। जैसे मनीष का इसकी डेट ऑफ बर्थ है 15/8/1990, तो ये कितने अभी आज के डेट तक कितने ईयर का होगा, 31 ईयर का, 5 मंथ का, 3 डेज का, ये हो गया दोस्तों 31 साल 5 महीना 3 दिन का। इसी तरह सबका निकला हुआ है दोस्तों, आप सबका चेक कर सकते हैं। अगर आपको अभी भी डाउट लग रहा है तो मैं आपको गूगल करके दिखा देता हूँ। गूगल पे जैसे हम एज कैलकुलेटर करते हैं, तो हम अभी मैं गूगल ओपन कर देता हूँ आप लोगों को, google.com। उसके बाद एज कैलकुलेटर करेंगे दोस्तों तो एज कैलकुलेटर ओपन हो जाता है। आप गूगल भी कर सकते हैं, अगर आपके पास गूगल नहीं है, अगर आप एक्सेल में करना चाहें तो कर सकते हैं। देखिए दोस्तों खुल गया है। इनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, 15/8/1990। हम सेम टाइप करेंगे, 15/8 मीन्स अगस्त होगा उनका, और डेट होगा उनका 15 तारीख का होगा, और ईयर है 1990। 1990 अब यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, देखिए उनका डे महीना ईयर सारे कुछ यहाँ पे गूगल पे लिख देगा। ठीक है, मैं एक्सेल में आपको बताया था कैसे नहीं आ रहा। देखिए आप यहाँ पे 31 ईयर 5 मंथ 3 डेज, और मेरा क्या आया था 31 5 एंड 3, देर इज ऑल्सो सेम डाटा। ठीक है दोस्तों, तो ये ऐसे आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, और ये रहा फार्मूला। अगर आपको और कुछ क्वेरी होगा दोस्तों तो मुझे कमेंट कीजिएगा, आपको ज़रूर मैं रिप्लाई करूँगा। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।